विश्वास या दोनों का अमलगमेशन कैसी लगेगी बात? वेल, अगर इन दोनों का समावेश हो जाए, या यूँ कहें कि अगर रंगों का समावेश हो जाए, तो एक रंग निकल कर आता है, वो है राजस्थान का रंग। बात हुई है राजस्थानी फूड फेस्टिवल की, क्योंकि आप वहाँ से मैं शांतिता बनर्जी आपकी दोस्त, और यहाँ पर बनाया जा रहा है राजपुताना रंग का एक अलग ही फ्लेवर। रंग के फ्लेवर्स क्या होने जा रहे हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एग्जीक्यूटिव सर दीपक सरकार। हेलो, हाउ आर यू? मैं कमा मेरी कमा गई। सर ये बताइए सर कि राजपुताना रंग, तो आज इस राजपुताना रंग में हम कौन से रंग देखने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का सबका स्वागत। कच्चे आम की कड़ी, क्या हो सकता है? कच्चे आम सीजन में है और राजस्थान के अंदर कड़ी तो हमेशा फेमस होती है। एग्जैक्टली, तो आज शुरू करते हैं हम एक कड़ी जो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में कुछ नया टेस्ट, नया फ्लेवर। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? इसके लिए हमें चाहिए सौंफ, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हींग, कच्चे आम, मेथी दाना, लाल मिर्च, लहसुन, देसी घी, दही और मैंगो का पल्प। मैंगो का पल्प ऑब्वियसली, क्योंकि हम अगर कैरी से बना रहे हैं तो उसका पल्प चाहिए। मीठा मैंगो का पल्प, मीठा मैंगो का पल्प यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लेंगे दही। अच्छा, सबसे पहले दही के साथ, दही के साथ हम इसमें दही डालेंगे सबसे पहले। और ये हम वन पोर्शन बना रहे हैं। हाँ, इसका हमने ऑलमोस्ट एक कप हमने दही लिया है। इसमें हम एक कटोरी बेसन बेसन डालेंगे। इसी के अंदर हम डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है कच्चा आम। ओहो, क्या खट्टा खट्टा कच्चा आम। और ये डालेंगे हम इसमें मैंगो का पल्प। ये मैंगो प्यूरी करें, ये हमने डाला। इसके साथ हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, जिसके इसके कोई भी लंप है जो बेसन और दही आराम से मिक्सअप हो जाए, लंप भी ना हो, और साथ ही साथ इसमें बैटर की तरह ये बनकर आ जाए। करेक्ट। अब हम इसको मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सारे लंप आपके घुल जाने चाहिए, और जब ये घुल जाएगा, ये हमारी गृहणियां पारंगत होती हैं अच्छे से इसे मैश करने के लिए। आपने देखा होगा कि जो हाथ की रई जिसे बोलते हैं, इस तरीके से हिलाते हैं, आप इस तरीके से भी हिला सकते हैं, इसके सारे लंप तोड़ सकते हैं। घर के अंदर लकड़ी की रई होती है, और यहाँ पे होटल के अंदर डालेंगे हम आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी, तो मिक्स करेंगे। वैसे राजस्थान के रंग की हम बात कर रहे हैं इस टाइम पर, तो यहाँ पर तो ज्यादा मिर्ची का एक फ्लेवर वो रहता है, तीखापन तो जरूर रहेगा इसके अंदर। जब हम इसको चढ़ाएंगे तो इसका जो फ्लेवर है, जो कच्ची मिर्च का फ्लेवर है, वो पक के निकल के आएगा। और तड़के का अलग से हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। कलर भी वैसे ही होता जा रहा है, लालिमा जो है वो निकल कर आ रही है, यानी कि राजस्थान रंग पूरे अपने शबाब है। ये हमारा ये बैटर तैयार हो गया है, अब हम इसको डालेंगे, इसे हम बॉईल करेंगे। इसे 15 से 20 मिनट स्लो हीट पे बॉईल करेंगे, और इसको कंटिन्यूअसली हिलाते रहना, लगे नहीं, और इसके अंदर कोई लंप ना पड़े। अब तड़के के लिए हम सबसे पहले लेंगे घी, देसी घी, देसी घी, क्योंकि अगर हम देसी खाना बना रहे हैं और एक कॉम्प्लिकेशन की बात है तो, और जैसे कि आप अभी आपसे बात हुई थी, लाल मिर्च के बिना बिल्कुल राजस्थानी खाना अधूरा है। जैसी तेल गर्म हो जाए, आप इसमें डालेंगे लाल मिर्च। ये हमारा शौक जो है मेथी के लिए। बिल्कुल, इसमें डालेंगे मेथी का दाना और हींग। हम इनिशियल स्टेज पे इसलिए डालते हैं कि वो पक जाए, और जो हमारे घी के अंदर फ्लेवर है तड़के का, वो निकल के आए, उभर के आए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये हमारा छौंक का फ्लेवर भी तैयार है, यानी कि राजस्थानी रंग का फ्लेवर। अब डालेंगे इसमें लहसुन। कई लोग सोचते हैं कि लहसुन कैसे डालेंगे, छौंक हमेशा कई बार हम लोग से कलौंजी के साथ ही छौंक दे देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये वाह, द मोमेंट लहसुन गोज इनटू इट, एक फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, अरोमा चेंज हो जाता है। चेंज हो चुका है, इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे,
ट्रांसपेरेंट सॉल्टेड। देख सकते हैं कि ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक, और अगर देखें हम दूसरी तरफ तो वहाँ पे वो बॉयल आना भी हो गया है वहाँ पर। दिस इज बीइंग डन और इस तरफ की सॉस हमारी तैयार है और आप डालेंगे इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर, चिली पाउडर चिली भी है, चिली पाउडर भी और हल्दी, हल्दी। ये हमारा तड़का रेडी है जी, आई थिंक हमारा वहाँ पे वो कड़ी भी रेडी, कड़ी भी रेडी है। यम्मीलिशियस लग रहा है, कलर भी आया अपनी। ये हम इसमें डाल देंगे ये, यानी कि ऐसी कड़ी जिसमें आप हर एक बाइट के साथ आपको आम की गहरी भी मिलेगी खाने को। बिल्कुल, ये कड़ी का हमने तड़का इसमें डाल दिया है जी, और इसको बॉयल होने देंगे हम। अमूमन कड़ी हम जैसे अब नॉर्थ इंडिया में हम खाते ही हैं, बड़ी भी रहती है, कड़ी भी रहती है उसके साथ। करेक्ट, ये थोड़ा अब हम डालेंगे लास्ट में इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक लास्ट में सर, लास्ट में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे रॉ मैंगो और मैंगो फल का खटास है तो बैठ जाती है, तो हमें इसमें खटास भी चाहिए और फ्लेवर भी चाहिए। ये रहा हमारा तो कहते हैं ना रेसिपी, एक छोटा सा स्पेशल वर्जन। अब हम इसको सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि रॉ मैंगो का फ्लेवर उभर के आ रहा है। अब तड़का, जो हींग का तड़का हमने इसमें डाला था, बारीक कटा हुआ धनिया, दिस इज सो करी, वाकई बहुत ज्यादा धनिया का फ्लेवर भी आ गया है, सिर्फ चले गए बोरे। तो आपके लिए गर्मा गर्म स्टीम राइस जो कड़ी के साथ हम खाएंगे। थैंक यू सो मच सर। अभी के लिए टेस्ट के लिए इतना काफी है शेफ, मतलब एक चम्मच और और कड़ी ये रही, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर फ्लेवर। एब्सोल्युटली, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक द पल्प आल्सो सो दैट जो एक खटास है बेसिकली वो भी साथ में मैं इसको टेस्ट कर पाऊँ। बिल्कुल, और गर्मी का मजा इस कच्चे आम के साथ, खट्टा पर ऑब्वियसली धनिया का फ्लेवर आया ही है, और जो एक आपका हल्का सा एक मिर्ची वाला जो फ्लेवर है वो भी आपको खा रहा है। मतलब ऐसा खाना है जो बच्चे भी खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं। मतलब और मौसम का मजा सीजनल है, सबसे पहली बात की गर्मी के अंदर ये केरी मिर्चे ये सब कुछ दिल्ली के अंदर आसानी से मिल सकता है और घर के अंदर आराम से बना भी सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त, लहसुन के साथ हींग का देन लाल मिर्च, बाकी में जो राजस्थान का रंग है वो हम लोग यहाँ पर समेट कर लेकर आए। अमेजिंग रेसिपी शेफ, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम श्योर ऐसे कई सितारे खुलते जाएंगे जो शेफ दीपक हमें बताते रहेंगे और हम तक वापस आते रहेंगे। लेकिन राजस्थान का रंग में आज के लिए फिलहाल इतना ही नहीं कहेंगे और यही कहेंगे कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और राजस्थान का रंग में रखना चाहते हैं तो इस वीकेंड पर आइए और यहाँ पर आकर इस प्लेस का अनुभव करिए। वेल थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये